सभापति उपसभापति महोदया, देश की आज़ादी का इतिहास ये बताया जाता है कि 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये एक अधूरा इतिहास था। पूरा इतिहास ये था, हंसाइए मत, पूरा इतिहास ये था सभापति महोदय कि 1784 में इस देश की आज़ादी के लिए पहला बलिदान हुआ था। वो बलिदान था भागलपुर के तिलका मांझी का। आप जानते हो मांझी उनकी जात नहीं थी, मांझी का अर्थ था उस समुदाय का नेता प्रधान। तिलका मांझी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, हम सब शर्म से हमारा माथा झुक जाएगा, चार घोड़ों की पूछ में बांध करके 7 किलोमीटर उन्हें सड़क पर दौड़ाया गया। पूरा शरीर लोहलुहान हो गया और भागलपुर की कलेक्ट्री में ले जा करके उनको बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तिलका मांझी नाम जरूर मांझी जोड़ा गया था, मूलतः उनका नाम था तिलका मुर्मू। संथाल समाज की थी और संथाल समाज के थे और मुर्गू उनका गोत्र था। इस देश की आज़ादी के लिए पहला बलिदान और पहला शहीद इस देश में कोई हुआ तो तिलका मुर्मू नाम का व्यक्ति हुआ। बात मिर्सा मुंडा तक गई है, बात अल्लूरी सीतारामा राजू तक गई है। दूसरा सबसे बड़ा वरदान हुआ अध्यक्ष महोदय, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के एक साल पहले 1856 में वो संथालों का विद्रोह था, आपका ही क्षेत्र था वो भी, उस समय तो सब एक होता था। चार भाई थे, चार भाइयों के नेतृत्व में 50,000 संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उन चारों भाइयों का नाम था सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू, भैरव मुर्मू और चांद मुर्मू। दो मुर्मुओं की हत्या कर दी अंग्रेजों ने और 20,000 संथालों को मार डाला। शायद इतना बड़ा कांड जलियावाला बाग भी कांड नहीं रहा होगा और शायद इतना बड़ा कांड मानगढ़ का भी कांड नहीं रहा होगा। 20,000 संथालों और दो मुर्मू भाइयों की हत्या, आज से ये करीब 100-200 साल पहले की बात है उपसभापति महोदय। कितनी शर्मिंदगी का एहसास होता है जब देश की आज़ादी हुई तो आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने लिख दिया, दे दी हमें आज़ाद बिना खदक बिना ढाल। इतिहास के पन्नों से वो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया था उनके इतिहास को मिटा दिया गया। आश्चर्य होता है, ऊपर जब वो बैठते होंगे और सोचते होंगे, वक्त जब गुलशन का था तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कह दिया तेरा काम नहीं। और इतने सालों के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद, हम गर्व के साथ कह सकते हैं उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज जो इस देश का तकरीबन 8.5% का हिस्सा है, करीब 10.5 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं, आज़ादी के 70 सालों में देश भर में पहली बार किसी ने आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहां से उठाकर कहां पहुंचाया, एक सामान्य धरातल से उठा करके उन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी समाज के लोगों को सामाजिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को आर्थिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को सांस्कृतिक अधिकार दिया है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा समाज स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाकर हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। यह बात मैं जानबूझ करके कह रहा था। हमारे मनोज झा जी अभी भाषण दे रहे तो कह रहे थे कितना अच्छा लगता जब राष्ट्रपति अपने मन का भाषण पढ़ते। मैं सुन रहा था तमिलनाडु के लोगों को, एक गवर्नर अपने मन की बात बोल देता है तो पूरा तमिलनाडु परेशान हो जाता है। और आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बोल दे, पहले गवर्नर्स को बोलने देने का अधिकार दीजिए, फिर ये अधिकार जी नहीं। RJD के तो एक कहने को हैं, RJD के तो सिर्फ शरीर है इनका,
हाँ अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, मैं चूंकि पेशे से डॉक्टर हूँ, महामहिम राष्ट्रपति ने चिकित्सा के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने चर्चा किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी की, उन्होंने चर्चा किया है कोविड की, और उन्होंने चर्चा किया है आयुष्मान भारत की। इसलिए मैं अपने आप की सारी बहस को मैं सिर्फ स्वास्थ्य की बहस तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। मैं तुलना नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सत्य है कि 2013-14 में स्वास्थ्य का बजट कुल मिलाकर के 33,700 करोड़ होता था, सिर्फ 33,700। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 86,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 2013-14 में इस देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 1,042 रुपया होता था। मैं नहीं नकार रहा हूं कि इसके पहले खर्चा नहीं होता था, 1,42,000। 2022-23 में हमारे प्रधानमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया एक व्यक्ति के ऊपर 1,815 रुपए का खर्चा शुरू किया। इस देश में स्वास्थ्य बीमे को लेकर के जो खर्चा होता था 2013-14 में कुल 4,756 करोड़ रुपए होते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने 2022-23 में जब बजट प्रस्तुत किया तो स्वास्थ्य बीमे को लेकर के उन्होंने 12,860 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय मोदी जी की यह देन है, इस देश में 648 मेडिकल कॉलेज। माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में MBBS की सीटें 55,348 सीटें थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 8 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे मोदी जी ने उन सीटों को बढ़ा करके 96,077 सीटें कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में 6 एम्स हुआ करते थे, आज हम 24 एम्स पाने के अंतर में। इसका फल क्या हुआ? इसका फल हुआ कि मोदी जी के पहले जब माताएं गर्भवती होती थी तो 1 लाख में 137 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, आज वो मृत्यु की संख्या घट करके 97 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 5 साल के बच्चे होते थे उनमें 1,000 में से 49 बच्चे मर जाते थे, आज उन मौतों की संख्या घट करके 32 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल का बच्चा जब इस देश में पैदा होता था तो कम से कम उनमें से 32 बच्चे मर जाते थे, 45 बच्चे मर जाते थे, और आज उनके मरने की संख्या 28 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आंकड़े हैं सब ऑफिशियल हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उन आंकड़ों ने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परसेंटेज कितना बढ़ गया, ब्रेस्ट मिल की परसेंटेज कितनी बढ़ गई, वैक्सीनेशन का दर कितना अधिक देश में बढ़कर चला गया, किस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट रेशियो बदल गए। 2014 में उपसभापति महोदय 2,083 नागरिकों के बीच में एक डॉक्टर होता था, और जिस जादू की छड़ी की बार बार वो लोग बात करते हैं, कौन सी जादू की छड़ी? मोदी जी की जादू की छड़ी थी 2014 में 2,083 पर एक डॉक्टर, और 2022 में 834 नागरिकों पर एक डॉक्टर। इसी को जादू की छड़ी कहते हैं जो उन्होंने किया। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार का उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया और निःशुल्क किया, हमारी माताएं और बहनें जब गर्भवती होकर के जाती थी तो हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं उनमें से कम 54% महिलाएं ऐसी थी जिनको निःशुल्क मेडिसिन मिलती थी, 53% महिलाएं ऐसी थी जो जिनको निःशुल्क जाँच हुआ करती थी, 66% महिलाओं को पूरा भोजन मिला करता था, और कम से कम 46% ऐसी महिलाएं थीं जो गर्भवती होने के बाद जिनको गाड़ियों में बैठा करके सुरक्षित घरों में भेजा जाता था। अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही थी कोरोना की, कोरोना जब आया था तो विश्व बैंक के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि कोरोना इतना भयावह है कि करीब करीब 5 करोड़ लोग इस कोरोना के नाते एक्सट्रीम पावर्टी में चले जाएंगे, और उनकी सबसे बड़ी संख्या भारतवर्ष में हुई। और अभी 4 दिन पहले मैं उन्हीं डेविड मालपास का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा
कोरोना के मैनेजमेंट में भारत ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के उदाहरण के रूप में सामने है। पूरी दुनिया भारत से चिकित्सा और कोरोना की व्यवस्था के बारे में सीख सकती है। पूरी दुनिया जान सकती है कि सीमित आर्थिक आय के बावजूद ईमानदारी के सेवा साथ सेवा करने का जज्बा हो तो नागरिकों की सेवा कैसे की जा सकती है। बात अभी प्रति व्यक्ति आय की हो रही थी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने अध्यक्ष महोदय रखूं। आय से कुछ नहीं होता। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 57 लाख रुपया है, स्वास्थ्य पर खर्चा 9 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 336। इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय 38 लाख रुपए है, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा 3,54,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,00,321 है। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय 74 लाख है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 7,93,000 है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,00,064 है, 1,00,164। और भारतवर्ष 2020 में आज हमारी आय 1,97,000 हो गई, जैसा माननीय वित्त मंत्री ने बताया था। 2 साल पहले हमारी आय 1,50,000 होती थी, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्चा 5,200, सिर्फ 5,227, कहाँ 7 लाख, 5 लाख। भारत का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च सिर्फ 5,227 रुपए और उपसभापति महोदय मरने वालों की संख्या 1,00,038। गौर कीजिए, जब कोरोना आया तो इस देश में न तो किट थे, न पीपी किट था, न जांच की लेबोरेटरीज थी, न स्वाब था, न फेस मास्क था, न यह N95 था। और हमें बजट में, हमें कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन करके, कस्टम फ्री करके इन चीज़ों को मंगाना पड़ता था। लेकिन आप लोग कहते हैं ना, क्या जादू की छड़ी है, यही जादू की छड़ी मोदी जी की थी। 11 मई आते आते इस देश में 87,20,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार हो गया, इस देश में 41,91,000 पीपी किट तैयार हो गए, इस देश में 75 लाख N95 के मास्क तैयार हो गए, इस देश में कैटेगरी वन का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल 163 था, बढ़ करके 4,096 हो गया, इस देश में एक भी कोविड के हेल्थ सेंटर नहीं थे, बढ़ करके 9,954 हो गए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1,000 टन प्रतिदिन थी, लोग ऑक्सीजन की कमी के नाते परेशान होते थे, हमने मई के आते आते इसकी संख्या बढ़ा करके 20,000 टन प्रतिदिन कर दी, इस देश में 50,000 ऑक्सीजन बेड हुआ करते थे, हमने बढ़ाकर उनको 3,81,000 ऑक्सीजन बेड कर दिया, इस देश में 47,000 वेंटिलेटर होते थे, आज 1,00,000 वेंटिलेटर हो गए, इस देश में 2,500 ICU होती थी, मोदी जी ने बढ़ा करके 1,13,000 कर दिया, तकरीबन इस देश में 41,000 आइसोलेशन बेड थे, आज देश में 17,17,000 आइसोलेशन बेड्स हैं, यहाँ तक कि रेल कोचेस को हम लोगों ने आइसोलेशन बेड में बदल दिया था। इसे कहते हैं मोदी जी का जादू, और यह जादू सिर्फ इलाज में नहीं चला था अध्यक्ष महोदय, दुनिया त्राहिमान कर रही थी, अर्थव्यवस्था टूट रही थी, लोगों के अंदर मंदी आ रही थी, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, उस चुनौती के दौर में एक और माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च में घोषित किया लॉकडाउन, और दूसरी ओर उन्होंने मार्च में ही घोषित किया स्टिमुलस 1,70,000 करोड़ का, और घोषित किया प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना, और समाज के हर वर्ग की चिंता की उन्होंने, गरीब वर्ग के लोगों को 5 किलो अनाज मिले, वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं को 1,000 रुपया 3 महीने तक दिया जाए, 7.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपया तुरंत डाल दिया जाए, 100 से कम स्थानों में 15,000 से कम के वेतन पाने वालों के PPF अकाउंट में 24% डाल दिया जाए, 63 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट में 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए लेने की कोलेक्ट्रल फी लेने की छूट दे दी जाए, PF अकाउंट से महामारी के आधार पर लोग अपने वेतन का, अपने PF का 75% या वेतन का 3 महीने का पैसा निकाल सकें, इसके लिए छूट दे दी गई। और बात यही नहीं रुकी, मई आते आते माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा किया, 20 लाख करोड़ के, मैं क्षमा चाहूँगा, 20 लाख करोड़ के, और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी क्या सुविधाएं थी 20 लाख करोड़ में मैं पढ़ूंगा तो उपसभापति महोदय शायद आप मुझे इसका अनुमति न दें,
उस 20 लाख करोड़ के अंदर उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए कोलेट्रल फ्री 45 लाख एमएसएमई को दे डाला। और काम करने की तेजी समझिए माननीय नागर जी, हम सीख सकते हैं कोई व्यक्ति कैसे जादू की तरह, जादूगर की तरह काम करता है। 13 मई को घोषणा हुई, 20 मई को कैबिनेट से डिसीजन हुआ, 23 मई को ऑपरेशनल गाइडलाइन निकल गई, 26 मई को फंड के क्रिएट को रजिस्टर्ड कर दिया गया और 5 अगस्त आते आते इस पैसे का वितरण हो। टाइम इज ओवर। मैं अपनी बातें मैं समझ सकता हूं, आप इस बात को कहेंगी कि समय अधिक हो गया और मैं नियमों को तोड़ने का आदि नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, हमने कोरोना के दौरान ही वेलनेस सेंटर शुरू किया था। आज इस देश में 1,09,000 वेलनेस सेंटर हैं। हमने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की और इस देश के 50 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क बीमा की छूट दी। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 4,18,000 नागरिकों ने स्वास्थ्य की छूट ले ली। मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा, अंत में सिर्फ एक बात कह करके। हम गरीब जरूर कहे जाते होंगे लेकिन हम दिल से गरीब नहीं हैं। कोरोना हुआ, अमेरिका में दवा की कमी हुई, आपको याद होगा, देश के दुनिया के अधिकांश देशों में दवा की कमी हुई। हम गर्व के साथ कह सकते हैं तकरीबन इस देश में 100 ऐसे देश हैं जिन्हें भारत से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिन्हें भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल भेजने का काम किया गया है। आप गौर करिए, उसी दौरान ऑपरेशन वंदे मातरम चला था, हमने 37,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर लेने का काम किया था। उसी दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था, हमने मालदीव से 1200 नागरिकों को लाने का काम किया था। हमने जहाज चलाकर देश के कोने कोने में, हमने कुल 751 जहाज चलाए और देश के कोने कोने में कोई ऐसा क्षेत्र न हो जहां दवा के अभाव में हमारे नागरिक मर सके, हमने दवा पहुंचाने का काम किया था। और हमने सिर्फ अपने नागरिकों की नहीं, हमने दुनिया के नागरिकों की चिंता की। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। 52,000 विदेशी नागरिकों को, 80 देशों के विदेशी नागरिकों को हमने इस देश से उनके देश में सुरक्षित भेजने का काम किया था। यह काम अगर किसी ने मोदी जी किया, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, गीता में एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति ततैव चान्यम आश्चर्यवच्चैनम अन्यः श्रोणुति श्रुत्वापेनम मातु वेदन कश्चन। आप इसका अर्थ समझेंगे। कुछ लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बोलते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बताते हैं, सुनते हैं। जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, समझ नहीं पाते, मोदी जी के साथ ऐसा ही है। हम सब उन्हें देखते हैं, समझ नहीं पाते, लोग बताते हैं, समझ नहीं पाते, करोड़ों नागरिक सुनते हैं, समझ नहीं पाते। देश का इतिहास आने वाले समय में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहता था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का कोई महात्मा गांधी पैदा भी हुआ था, आने वाले 50 सालों में वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि इस धरती पर कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी पैदा हुआ था, शायद कोई विश्वास न करे। धन्यवाद। ऑनरेबल श्रीमती सुलता देव।